अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे एनालिस्ट असद महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, सिचुएशन आपके सामने है, महंगाई उरूज पर पहुंच गई है, अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जो है वो समरी आ रही है, रात तक हो सकता है अनाउंस हो जाए। डॉलर रेट आप देख रहे हैं आज जो है वो 5 रुपए बढ़ गए, तकरीबन 5 रुपए बढ़ गए हैं। सर क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है इस वक्त जो कुछ आप पाकिस्तान में देख रहे हैं और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में भी पिछले चंद हफ्तों के अंदर एक आम पाकिस्तानी ने, इवन बशमूल मेरे और आपके, कभी तसव्वुर नहीं किया था कि ये सब कुछ हो जाएगा और पाकिस्तान में हम इस सारी चीज के ओके बोझ के तले दब जाएंगे। और जैसे आपने भी कहा मेरे से कि जी डॉलर जो है वो 5 रुपए इंक्रीज कर गया है और उसी के साथ पेट्रोल की कीमतों का है जिनके कोई तकरीबन 23 रुपए ही और लगता है ऐसा है कि बढ़ाने जा रहे हैं। मैं तो इन सिंपल एंड प्लेन वर्ड आई वुड से ये जितने भी VDM की फाइन उनकी तो लीडरशिप हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती, कि ये जिस तरीके से जब पिछली हुकूमत थी और वो ऐसा लगता था जी कि एक दो तीन एक जैसे लगता है वेव्स आ रही थी महंगाई मार्च के खिलाफ, ये लॉन्ग मार्च जैसे आ रहे थे, तो वन वुड फील कि नहीं जी वाकई ये आएंगे तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जब से आए हैं और इनके ऐसे काले पैर पड़े हैं पाकिस्तान की ओके हुक्मरानी के अंदर कि मतलब एक आम आदमी मैं समझता हूँ कि वो तो अब उसकी रात की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन भी सारा खत्म हो गया है। चीजों की महंगाई को आप देखें, बिजली की लोड शेडिंग को देखें और उससे हटके जिस तरह मतलब ये इसकी बात करें वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल, मैं कहता हूँ आई डोंट कॉल हिम मुफ्ता इस्माइल, ही वाज दीवान को जो कहता था जी कि नहीं आप ये खरीद लें और हम स्टील मिल आपको मुफ्त में दे देंगे, सच अब बेशरम आदमी आप उससे। अभी देखें जो कुछ अब सामने है सारा कुछ होता है और कितनी डिटाई और बेशर्मी के साथ आके ये अनाउंस करता है कि जी ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, अपनी जो इस्माइल इंडस्ट्री है उसकी भी मुख्तलिफ तरह की कैंडीज जो है उनके लिए उसने क्या किया वो आप सबके सामने है। तो आप उससे कि अब तो कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आती कि मतलब इनके चुंगल से कोई पाकिस्तानी बच सके। थिंग्स सीम्स टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफिकल्ट बेसिकली फॉर पाकिस्तान नाउ एट द मोमेंट, स्पेशली ये इस हुकूमत की अगर आप ये बात करते हैं कि अपने आप को कहते थे, क्लेम करते थे कि वी आर द वन और हमें पता है कि हमने क्या करना है और जी हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारे पास बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और ये देखें आप सारा कुछ क्या करेंगे। जी सर, एक्चुअली व्हाट दे हैव डन विद पाकिस्तान। जी सर, सर मुझे बताइएगा इलेक्शन कब देखने में आ रहे हैं? वेटरन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया है कि बाजवा साहब ने ये वादा किया था कि इलेक्शन 90 दिन में कराएंगे, तो क्या हम देख रहे हैं अगले 90 दिन में इलेक्शन? मैं पहली बात तो ये है कि मुझे इस सवाल पे बड़ी आई वुड से ऑब्जेक्शन है कि भाई अगर इलेक्शन कराना है तो जो हुकूमत है वो तो अपने आप को कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम आए हैं, आर्मी ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब अनाउंस किया कि जी हम तो बिल्कुल एक लिहाज से कि किसी के साथ नहीं है, वी आर बेसिकली विद पीपल ऑफ पाकिस्तान और हम तरफों की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है और इलेक्शन करवाने का काम भी नहीं है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू से, तो ये तरह की चीजें और ना इससे पहले इस तरीके से सुने, ना कोई 90 डेज का किसी तरह का कोई क्लेम हुआ, ना ऐसी कोई बात हुई। मैं तो इसको नहीं समझता कि मतलब इसके अंदर किसी तरह की कोई डेप्थ है या यू फील की कोई रियलिटी इसके अंदर परसिस्ट कर रही है। हाँ ये मैं जरूर कहता हूँ कि इन सारी चीजों को हटा के जनरली अगर आप देखते हैं, इस हुकूमत को आप देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कोई स्ट्रेंथ आती है या इनको आप ये फील करते हैं कि ये अपना कोई लेजिटिमेसी को ये प्रूव करते नजर आ रहे हैं या आप ये फील कर रहे हैं कि नहीं लोग इनको मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इनकी कोई ग्रिप नहीं है, चाहे चाहे मईशत की बात करते हैं, चाहे आप नॉट ऑर्डर की बात करते हैं, चाहे आप ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं। आप देखे ना पिछले 3-3.5 सालों के अंदर जो आपने रिवाइवल देखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, और अब आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से ये इंडिया मुफ्ता इस्माइल दे रहा है कि जी हम तो इस पे भी टैक्स बढ़ा देंगे, उस पे भी टैक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मतलब आप लोग नौकर लगे हुए हैं इसके IMF के और वर्ल्ड बैंक के, कि जो
वो कहेंगे अब वो करते जाएंगे। अभी देखे ना पिछले दिनों आपने स्टेटमेंट सुनी थी कि जी हमने अगला बजट जो भी देना है इट हैज टू बी अंडर द परव्यू और डायरेक्शन जो है वो IMF की। लानत नहीं भेजती IMF के ऊपर इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये हुकूमत रहेगी ये लोग मुसल्लत रहेंगे, मैं जरदारी की और नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ जी सर, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम को आप मुसलसल तकलीफ के अंदर अजाब के अंदर देखेंगे और कोई ऐसी सूरत नहीं मुझे नजर आती कि जहाँ मैं ये कहूँ कि नहीं इनसे कोई बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। सर पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त भी मुसलसल अजाब में है, आप देख रहे हैं जिस तरह प्राइसेस रेस हो रहे हैं हर चीज के, तेल की बात करूँ मैं, खाने की अशिया की बात करूँ, सब्जियों की बात करूँ, प्राइसेस बहुत ज्यादा रेस हो रहे हैं। सर अगर हम बात करें तेल की तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी यहाँ पर पाकिस्तान रशिया और यूक्रेन के मामले में क्यों पड़ गया, जिस तरह भारत जो है वो रशिया से तेल हासिल कर रहा है, सबसे बड़ा खरीदार है रशिया का भारत, तो इस वक्त पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान किस बात का इंतजार कर रहा है, अगर हमें सस्ते दामों में तेल मिल सकता है तो फिर पाकिस्तान इस चीज के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। देखिए ना मैं आपसे ये कहूंगा जी ये पपेट गवर्नमेंट है जो कि अमेरिकन बैक्ड या यूके बैक्ड गवर्नमेंट, मैं इसको कहूंगा ये डायरेक्शन वहां से ले रहे हैं। और अगर आप ये देखें ना कि अगर इन्होंने विदिन 7 days 150 से उठा के पेट्रोल को 210 रुपए पे लेकर गए हैं, इनको थोड़ा सा ख्याल नहीं आया, इनको को थोड़ी सी शर्म नहीं आई, इनको थोड़ी सी अपनी स्टेटमेंट पिछले याद नहीं आई कि दो तीन तीन चार रुपए का पेट्रोल बढ़ता था और ये पूरे के पूरी जो मीडिया उनके साथ खड़ा होता था और अब आपका मीडिया कहता है कि नहीं जी ये तो इनकी पॉलिसी है, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो पाकिस्तान फेस कर रहा है और नए इंटरनेशनल प्राइस हाइक है उसके साथ एक लिहाज से ये चल रहे हैं। और आपने बिल्कुल ये बात की, देखे ना अगर इंडिया जो है उसने कोई रशिया का जो इकदाम था अगेंस्ट यूक्रेन उसने किसी तरह का कोई कंडमनेशन के अंदर नहीं गया ना यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई कंडम किया, और फिर आप ये देखें कि अगर 40% डीजल पेट्रोल वो सस्ता ले रहा है, गंदम वहां से सस्ती ले रहा है, और यानी हमारे यहाँ 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, इंडिया के अंदर 25 रुपए नीचे आ गया, तो आई वुड से कि ये जितनी भी पीडीएम की गवर्नमेंट है वेरी फजलुर रहमान वो मुल्ला के नजर आता है आपको किसी जगह के ऊपर, आप यकीन करते हैं कि हर वक्त ये दुम पे खड़ा होता था जी कि पाकिस्तान का ये हो गया और वो हो गया और आपको इसकी किसी तरह की कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आती, कोई अचकज़े ही नजर आता है। और उससे भी ज्यादा वो बेशरम जो एमपीएम वाले हैं ये बाप वाले हैं, वेयर हैव दे गॉन, क्या वो डिग हो गए, क्या वो कब्रों के अंदर चले गए हैं, उनकी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ ये जिनको लेकर आए हुकूमत के अंदर वो कर क्या रहा है लोगों के साथ। जी सर, सर आप आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ये बात करूंगी जिस तरह मौलाना फजल रहमान बात करते आए हैं इमरान खान के खिलाफ और जो वो जबान यूज़ करते आए हैं उन्होंने नामूस रिसालत के हवाले से इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहे, उस तरह जबान नहीं उन्होंने खोली, उस तरह बात करते वो क्यों नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ और यही चीज है, देखे ना इंडिया के अंदर जो उनकी स्पोक्स पर्सन है कोई तो उसने जिस तरह की गली जुबान इस्तेमाल की है जी सर जी उसने ओहदे से तो उसको हटा दिया गया है, बट दैट इज नॉट एनफ, दैट इज नॉट सफिशिएंट। और बिल्कुल आप ये देखें आपकी जितनी मजहबी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर कोई किसी तरह की कोई स्टेटमेंट आपने सुनी इनकी जुबान से कोई किसी तरह की कोई बात सुनी। और अगर आप याद करें ना ये TLP होती थी और TLP ने पूरे स्पेशली पंजाब के अंदर तो लोगों की जिंदगी हराम की थी, और मैं आज भी मुझे याद है जो उन्होंने एहतजाज किया और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस वालों को मार मार के क्रिमिनल्स की तरह उनकी हड्डियां तोड़ी थी, सारी जिंदगी के लिए 300 से 400 पुलिस वालों को मजबूर कर दिया, देयर आर दे टुडे, दे आर जस्ट सिंपली क्वाइट। तो ये है मैं कहता हूँ कि हम हिपोक्रेट सोसाइटी का मैं समझता हूँ कि एक हिस्सा है, ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जो सिर्फ अपने मफादात की बात करती है, अपने मफादात के लिए सियासत करती है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सियासत करती है, उसका पाकिस्तान से पाकिस्तान के लोगों के साथ जुड़े हुए मामला से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू असद साहब। मेरे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब, मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।